हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ऑपरेशनल रिसर्च के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली बताने वाली हूँ कि आपको ऑपरेशनल रिसर्च के किस चैप्टर्स के प्रैक्टिकल करने चाहिए, किसकी थ्योरी करनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स मैंने करवा रखे हैं, जो वो आपको बताऊँगी, जो मैंने थ्योरी करवा रखी है या इस वीडियो में जो कवर करवाऊँगी, वो सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको भरपार देने वाली हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। आपको 90% क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर कहाँ से आएगा और क्या आएगा, ठीक है। ये वीडियो बीकॉम 6th सेम के लिए और एमकॉम 2nd सेम के लिए रहने वाली है, तो कंबाइन वीडियोस मैंने बनाई हैं ओआर की, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे कि आप सबको पता है अभी तक हमारी जितनी भी वीडियोस आई, आप सबको ना एक चीज़ करनी पड़ी कि आपको नोट्स मेरे से इंस्टा पे आके बाय करने पड़े, ठीक है। तो आपको नोट्स बाय करने की जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ पड़ती है एक सब्जेक्ट की, तो वो काफ़ी बच्चों को मुझे लग रहा है कि अफेक्ट करेगी कि हर एक सब्जेक्ट के नोट्स उनको बाय करने थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईजी ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट के जो नोट्स आप मेरे से बाय करते हो उसकी कॉस्ट है वो, बस आपको एक बार 59 रुपीज़ पे करने हैं। उसके बाद आपका पूरा सेमेस्टर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी एग्ज़ाम्स की वीडियोस विद उनके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि आपको ये मैं वीडियो में इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने कल ही वो ऑप्शन ओपन किया है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों को अगर सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने पड़ेंगे तो उनको 300+ कॉस्ट जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। तो आपको अब पूरे एक क्लास की, कहाँ मैंने एक सब्जेक्ट की कॉस्ट 50 रखी थी, अब पूरी एक क्लास की कॉस्ट आपको 60 रुपीज़ पड़ेगी। तो मुझे सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्लीज़ उसको बाय कर लें, ताकि अगली वीडियोस जो भी मैं डालूं, क्योंकि अभी भी मैं इसके अंदर आपको कुछ ऐसी वीडियोस बताने वाली हूँ वीडियो के अंदर जो आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे ही देख पाएंगे। तो आपको उनके बाद अगर आप में से कोई भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है और उसको नोट्स चाहिए और वीडियोज़ में नहीं मिल रही, देन आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें कि मैम हम लोगों ने आपका सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लिया है तो आप हमें नोट्स दे दीजिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं नोट्स नहीं दे सकती क्योंकि ये वीडियो पब्लिक है, ठीक है। जो वीडियोज़ मेंबर्स के लिए रहेंगे सिर्फ जिन्होंने ज्वाइन किया, उसके अंदर मैं आपको नोट्स डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। ये वीडियो मुझे अनाउंसमेंट करने के लिए आपको बनाई है कि आपको पता चल जाए कि ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है जिसमें आपको नोट्स लेने के लिए मेरी इंस्टा पे नहीं जाना पड़ेगा, वीडियो के अंदर ही आपको नोट्स मतलब लिंक मिल जाएगा कि यहां से आप लोग नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको ये सजेशन, 59 रुपीज़ आपको सही लगे या 300 पे करना सही लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी, मैंने आपका थोड़ा सा समय लिया, बट ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सब लोग पे नहीं कर सकते। अब वीडियो के अंदर आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है क्योंकि बहुत कुछ मैं ऐसा बताने वाली हूँ जो मतलब पूरा ही 360 डिग्री ना इस पूरी वीडियो को चेंज कर देगा आपके कंसेप्ट को कि ओआर क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च में मुझे क्या क्या करना है, पूरा आपको एक लॉजिक पता चल जाएगा मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। चलो पहले चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। कुछ क्वेश्चन है, 4 या 5 तो मैंने थ्योरी के इस वीडियो में आपको करवाने हैं जो कि रह गए हैं, तो प्लीज़ पहले उन थ्योरी के क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए कि क्या है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट अराइज। ये थ्योरी हमने पिक की है रिप्लेसमेंट चैप्टर की क्योंकि इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सो रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसमें इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट क्या है और ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या होता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 2023 के पेपर में थ्योरी आई थी, ठीक है। पहले तो रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, आइटम्स डिटरेट ओवर टाइम विद यूज़, जैसे कि अगर हम चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना पुरानी होती जाती हैं, आउटडेटेड होती जाती हैं। तो वही पहली प्रॉब्लम यही अराइज़ होती है कि जो चीज़ें हैं टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, तो ओवर द टाइम जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं वो पुरानी हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है कि हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, ऑब्सोलेंस यानी कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में नई नई चेंजेस आती रहती है जिसकी वजह से हमें अपनी जो भी चीज़ें हैं रिप्लेस करनी पड़ती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, सब कुछ नया आ चुका है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, चेंजिंग नीड्स, हमारी नीड्स चेंज हो जाती हैं, हमें अलग अलग नीड्स, अलग अलग टूल्स, अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डैमेजेस, कुछ डैमेज हो जाना, तो ये कुछ रीजंस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें अपनी कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ता है, व्हाई रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स अराइज, ठीक है। अब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट क्या होती है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होती है कि रिप्लेसिंग आइटम वन एट अ टाइम, कि एक बार में एक ही आइटम को चेंज करना। अब मेरा घर है, मेरे घर में कम से कम कितने बल्ब, आप लोग आइडिया लगा लो, 10 बल्ब हैं टोटल, ठीक है, 10 या 20 बल्ब होते हैं नॉर्मल किसी भी हाउस में बल्ब लगे हुए हैं। अब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट क्या है कि जब कोई बल्ब खराब हो तो मैं स्पेसिफिकली उसी को चेंज करूँ, ठीक है। और ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या होती है कि अगर मैंने एक टाइम सेट कर लिया कि सारे घर के बल्ब मैंने इस तारीख को लगाए, 2 साल की वारंटी होती है उसके ऊपर, तो अब इस डेट को मैंने सारे घर के बल्ब चेंज कर देने हैं, मतलब उनके खराब होने से पहले ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देनी, दैट इज़ ग्रुप रिप्लेसमेंट, की सारे कंबाइन चेंज कर रही, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की क्या दी हुई है, गेटिंग अ न्यू फोन व्हेन द ओल्ड वन गेट्स
स्टॉप वर्किंग की पुराने वाले ने काम करना बंद कर दिया। और ग्रुप रिप्लेसमेंट में एग्जांपल क्या दी हुई है कि आपने अपने सभी ऑफिस के कंप्यूटर्स को अपग्रेड कर दिया ग्रुपिंग में एक साथ इकट्ठे, एक एक करके नहीं किया, इकट्ठे कर दिया, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिकली क्या एस्पेक्ट पड़ता है, यानी कि ग्रुप रिप्लेसमेंट इज ऑफ्टन मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि इसके अंदर जब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं, अब आपको बताना है कि जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट है उनमें से कौन सा इकोनॉमिकल है। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए ग्रुप रिप्लेसमेंट जो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। क्यों ज़्यादा इकोनॉमिकल है? क्योंकि जब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें बल्क में स्टॉक खरीदते हैं, तो हमें बल्क पे डिस्काउंट मिलता है। अगर हम एक सिंगल यूनिट बाय करने जाते हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है, बट जब हम उसको बल्क में बाय करते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है। एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, रिप्लेसमेंट टुगेदर, अगर हम सारी चीज़ें एक ही साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारा टाइम, पैसा, लेबर सब बचेगा। थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंसी, अगर हम एक मेंटेन करके रहते हैं अपने ऑपरेशंस में तो कहीं ना कहीं वो भी रिप्लेसमेंट को सिंप्लीफाई कर देगी। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम अराइज, क्यों अराइज होती है? ड्यू टू वेयर ऑब्सोलेंस, यानी कि वेयर, यानी कि जैसे जैसे हम उसको टाइम टू टाइम यूज़ करते रहते हैं वो ख़राब हो जाती है, मतलब यूसेज में आ जाती है, पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, ऑब्सोलेंस, चेंजिंग नीड्स या डैमेजेस की वजह से। और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में इन्वॉल्व है इन रिप्लेसिंग आइटम वन बाय वन, और ग्रुप रिप्लेसमेंट में आप लोग मल्टीपल आइटम्स को चेंज करते हो। तो गाइस बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, मैंने इसमें टफ वर्डिंग्स का यूज़ नहीं किया, तो आपको ईजिली क्लियर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई? अब देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाता है और आपको उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट का डिफरेंस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप लेंथ इंक्रीज करके आ सकते हो पेपर में। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप लोग एमकॉम बीकॉम के स्टूडेंट्स हो फाइनल ईयर के, तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली पता है कि अगर आपको लेंथ इंक्रीज करनी है कौन सा क्वेश्चन किससे लिंक कर रहा है, तो हम उसको लेंथ इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले की अगर आपको लेंथ कम लगे तो आप इसका डिफरेंस ऐड कर दो ना, ग्रुप रिप्लेसमेंट और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऊपर भी तो पूछा गया था ना क्वेश्चन में, तो उसका डिफरेंस बताने से हमारा लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल और ग्रुप का, बिल्कुल ईजी है, हमने ऊपर सारा रीड आउट किया, सेम वही लिखा हुआ। इसमें मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में क्या टाइम, कितना टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी लगती है, इंडिविजुअल में ज़्यादा लगेगी ऑब्वियसली, ग्रुप में कम लगेगी, कितनी कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा दोनों में, डाउन टाइम कितना लगेगा दोनों में, तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं डिफरेंस में, जो कि आपको जस्ट इन अ रीड समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन करो ओपी मेथोडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, कि ओपी मेथोडोलॉजी क्या है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की। अब रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम जो है उसकी मेथोडोलॉजी आपको बतानी है, यानी कि ओपी किसके लिए स्टैंड आउट करता है, ऑप्टिमल पॉलिसी के लिए। ऑप्टिमल पॉलिसी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो ओपी मेथोलॉजी है ये काम कैसे करती है, हाउ इट्स वर्क, पहले तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे वही सारा लिखा हुआ है। सेकेंडली आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, थर्डली आप देखोगे कि क्या क्राइटेरिया है, कितनी आपको कॉस्ट लगेगी उसके अंदर, उन फैक्टर्स के अंदर रिप्लेस करने में कितनी आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ज़रूरत है, कितनी लेबर चाहिए, सब कुछ। आप ऑप्शंस को इवेल्युएट करोगे कि कंपेयर करोगे कि कॉस्ट किस में कम आ रही है, रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस होते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं प्रैक्टिकल वाली वीडियो में। फिफ्थ, नेक्स्ट क्या है गाइस, देखिए कैलकुलेट करोगे आप लोग कॉस्ट को, ऑप्शंस को देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कि क्या कॉस्ट आ रही है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह, आप उसको कंपेयर करके देखोगे, देन आप उनके बेनिफिट्स को एनालाइज करोगे, देन आप एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, एंड उसके बाद जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया उसको इंप्लीमेंट करोगे। आपने जो भी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन चूज़ किया आप उसको पक्का कर दोगे, शेड्यूल कर दोगे कि इस दिन को मेंटेनेंस हमारी होगी, वो चीज़ें हमारी उसी दिन इंप्लीमेंट होंगी, एंड आफ्टर दैट उसको आप मॉनिटर या एडजस्ट करते रहोगे अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे भी आपको सही लगेगा, तो आपको उसमें चेंजेस करते रहने। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। पहले तो आपको पर्ट और सीपीएम का डिफरेंस पता होना चाहिए। पर्ट क्या होता है? पर्ट यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं प्लान एंड मैनेज करने के लिए अपने टास्क ऑफ प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क। हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल टास्क में ब्रेक करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना टाइम लगेगा ईच टास्क को, आइडेंटिफाई करेंगे उनकी डिपेंडेंसी कितनी है टास्क के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर्स की कि वो उनकी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल कर पाएँ जैसे भी इफेक्टिवली हैं, और उस प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक कर पाएँ, ठीक है। अब जो हमारा सीपीएम है वो क्या होता है, ये क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं इसको, ये एक अनदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है पर्ट की तरह ही। ये हमारी हेल्प करती है प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स बाय आइडेंटिफाई करके कि ये लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट जो टास्क डिटरमाइन करते हैं कि शॉर्टर टाइम कितना नीडेड है, कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना
ज़्यादा से ज़्यादा और कितना कम से कम समय लगेगा। इसेंशियली इसका मेन फोकस होता है द टास्क दैट द क्रूशियल फॉर द प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड कंप्लीशन, के टास्क के ऊपर इसका मेन फोकस होता है कि क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पहले तो इसकी आपने पहले पॉइंट में फुल फॉर्म बता देनी है कि ये होती है। सेकंड, इसका फोकस किसके ऊपर होता है। फर्स्ट वाले का फोकस होता है कि एस्टिमेट लगाना अनसर्टेनिटीज के ऊपर, और इसका दूसरे वाले का कंसंट्रेट पूरा प्रोजेक्ट के शेड्यूल के ऊपर होता है। थर्ड, टास्क की डिपेंडेंसी जो है ये अकाउंट्स फॉर अनसर्टेनिटीज इन टास्क ड्यूरेशन। जो टास्क की डिपेंडेंसी है वो अनसर्टेन ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होती है, और अज्यूम दूसरे में अज्यूम करते हैं कि फिक्स टास्क ड्यूरेशन है। गाइस इसका डिफरेंस भी एक्जैक्ट ऊपर जो हमने इसका मीनिंग किया उसी के बेस पे लिखा हुआ है, तो आप लोग रीड आउट करेंगे इजीली क्लियर हो जाएगा। हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेट आ रही है ये वीडियो आपके लिए, तो हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे कि टाइम कंज्यूम करे आपका ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि व्हाट आर द फाइव क्राइटेरियाज, ये डिसीजन मेकिंग की थ्योरी है कि फाइव क्राइटेरियाज बताओ कि डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, और इसमें बायसनेस एनालिसिस क्या है डिसीजन थ्योरी में, इसके पर्पसेस क्या है, एग्जांपल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो फ्रेंड्स डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन्वॉल्व, इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं वेरियस फैक्टर्स को एक डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हमने डिसीजन लेना है सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके, सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर ही कोई डिसीजन लेंगे ना। तो इसके कुछ पांच क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ध्यान से सुनिएगा, पहला क्राइटेरिया है मैक्सिमेक्स क्राइट्रॉन, यानी कि दिस फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। इसका क्या मेन फोकस होता है कि इसने मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स को। ये क्या पॉइंट की हेडिंग क्या है ध्यान से देखो, मैक्सिमैक्स यानी कि मैक्सिमम को मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम में कन्वर्ट करना मेन फोकस है इसका, ठीक है। हेडिंग से पॉइंट की एक्सप्लेनेशन समझना, मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमैक्स इसकी हेडिंग बनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमिन यानी कि इसका मेन एम क्या है कि मैक्सिमाइज जो हमारी पॉसिबल आउटकम है उसको मैक्सिमम करना, और जो लॉस है यानी कि देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, दिस मेन एम इज़ टू मिनिमाइज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, जो इसके लॉसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस को मिनिमाइज करना। मैक्सिमिनी का क्या मेन फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस को मिनिमाइज करना, मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस को मिनिमाइज करना। मैक्सिमिनी का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस को मिनिमाइज करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मिनी मैक्स, इसका मेन एम क्या है, मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट, यानी कि जो एक्चुअल आउटकम और बेस्ट पॉसिबल आउटकम की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होगा उसको मैक्सिमम करना, ठीक है, कि प्रॉफिट को बढ़ाना, यानी कि मेन आपको ये देख रहे हैं, ठीक है। मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट यानी कि आपको उसको मिनिमम करना है, जो आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए थी, मैंने अज्यूम किया कि मेरे प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट 80 रुपीज़ आनी चाहिए थी, वो कॉस्ट आई 90, तो उस आउटकम को कम करना, जितना कम कर सकती हूँ मैं 80 की जगह 70 ले आऊँ, क्योंकि जितनी कॉस्ट मुझे कम पड़ेगी प्रॉफिट मेरा उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट यानी कि जो एक्चुअल आउटकम निकला एंड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, दिस कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच डिसीजन बाय मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम बाय इट्स मॉनेटरी वैल्यू। ये एक्सपेक्टेड, ये सिंपल फॉर्मूले का लिखा हुआ है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, तो आप लोग एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ये कंसिडर सिर्फ मॉनेटरी आउटकम्स को कंसिडर नहीं करता बट ऑल्सो सब्जेक्टिव जो आउटकम्स हैं उनको भी प्रेफरेंस देता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्राइटेरियाज हमने बताए, अब हमने इसके बायसनेस एनालिसिस बतानी है डिसीजन थ्योरी के ऊपर। सो बायशियल एनालिसिस एक स्टैटिकल मेथड है जो डिसीजन थ्योरी में यूज होता है, अपडेट्स, बिलीव्स, प्रोबेबिलिटी, इनके बेस के ऊपर जो भी एविडेंस या इन्फॉर्मेशन होती है उनके बेस पर ये मेथड यूज होता है। इस मेथड के अंदर या इस थ्योरम के अंदर इट इन्वॉल्व यूजिंग बायस थ्योरम टू रिवाइज कि प्रायर जो प्रोबेबिलिटीज क्या थी, डाटा को ऑब्जर्व करना, ठीक है, पोस्टियर प्रोबेबिलिटीज को देखना और उसी के अकॉर्डिंग के रिजल्ट्स निकालना, जो पुराने इनके डाटाज हैं उसको ऑब्जर्व करना, इसमें हम लोग डाटा को रिवाइज करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इस थ्योरी का मेन पर्पस है कि इसने एनालाइज करना है ऑप्टिमल डिसीजंस लेने हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड अपडेट करना है अपने बिलीव्स को उसके अकॉर्डिंग। ये अलाउ करती है डिसीजन मेकर को मेक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस एंड चॉइसेस इन अनसर्टेन सिचुएशन। एग्जांपल जैसे आप एक फार्मर हो, एग्जांपल से यू आर अ फार्मर, आपने डिसाइड किया कि आपको पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं इन अ न्यू
क्रॉप यानी कि खेत फसल बेस्ड ऑन द वेदर फोरकास्ट, आपने वेदर का फोरकास्ट किया और आपने अज्यूम किया कि मुझे ये वाली खेती में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इनिशियली यू हैव प्रायर बिलीव्स, आपके तजुर्बा, आपको एक्सपीरियंस पुराने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग या पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बिलीफ है कि इस बार की ये वाले चीज़ की खेती हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे कि ये खेती इस फील्ड की अच्छी निकलेगी। सो अपडेट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका अपडेट्स है या जो भी आपका रिजल्ट्स है उसको यूज़ किया। सो यूजिंग बायशियन एनालिसिस यू अपडेट योर बिलीफ, आप अपने जो बिलीव्स हैं उनको अपडेट करते हो, यानी कि गुड हार्वेस्ट जो है बेस्ड ऑन ऑब्जर्व वेदर कंडीशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में अबाउट योर प्लांटिंग इरीटेशन या हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, जो भी आपकी खेती करने की तकनीकें हैं टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड करने में मदद करेगी। आपको नई चीज़ें पता चलेंगी कि इस बार ये नया हुआ, जब जब आप उस मेथड का यूज़ करेंगे, थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बेसिकली करवाए हैं रिप्लेसमेंट के और डिसीजन थ्योरी मेकिंग का एक क्वेश्चन करवाया। तो अगर तो थ्योरी आई, एक तो मैंने आपको यूनिट वन की थ्योरी करवा रखी है पहले चैप्टर की, ठीक है, या तो उसमें से कर लो थ्योरी या ये वाली, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, चाहे बीकॉम है चाहे एमकॉम है, ये पेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। पहले कल एमकॉम वालों का पेपर है वो देखो, एमकॉम वालों का यूनिट वन में एक थ्योरी का क्वेश्चन पक्का आता है जो हमने पिछले सालों के पेपर को देख के एनालिसिस किया है। मैं ये कंफर्म नहीं बता रही कि आएगा ही आएगा, बट आता है जो पिछले सालों का पेपर बता रहा है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन थ्योरी का बनता है बाकी प्रैक्टिकल बनते हैं। तो मेरी सजेशन है अगर तो किसी ने एलपीपी वाला कोई भी चैप्टर कर रखा है, उसको लगता है कि मुझे आता है, तो उसको प्लीज़ रिवाइज़ करें। मैंने एलपीपी नहीं करवा रखा और उसके लिए अभी टाइम भी नहीं है कि मैं अगर एलपीपी शुरू करवाऊंगी तो मुझे एलपीपी सिंपल ग्राफिकल फिर उसके बाद सिंप्लेक्स सब उठाने पड़ेंगे, ठीक है, तो अभी उतना टाइम नहीं है। तो मैंने यूनिट वन की थ्योरी करवा रखी है अपने चैनल पर जो पहले चैप्टर की है, ठीक है। तो अगर किसी ने एलपीपी नहीं कर रखा तो ऑप्शनल आप लोग थ्योरी करके जाएं, क्योंकि थ्योरी का पेपर में आना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, बट 80% पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, चाहे बीकॉम है चाहे एमकॉम है। एमकॉम वाले यूनिट वन की थ्योरी कर लें, अगर एलपीपी करा है तो उसको ज़रूर करें। सेकेंड यूनिट का एमकॉम वाले जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है और जो असाइनमेंट चैप्टर है, दोनों के ऊपर मेरी वीडियोस हैं। एक एक वीडियो में मैंने एक एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, एक एक वीडियो के अंदर एक एक पूरा पूरा चैप्टर कवर है। पिछले जितने सालों के क्वेश्चंस हैं सब मैंने वीडियोस के अंदर आपको सॉल्व करवा रखे हैं कि ये इसका सलूशन है, ठीक है। तो जो वीडियोस मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ वीडियोस के लिए आपको मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने उनमें सॉल्व करवाए हैं, दैट मीन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन असाइनमेंट के भी सॉल्व करवा दिए हैं, गेम थ्योरी के भी करवाए हैं, रिप्लेसमेंट के भी करवाए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे वो बीकॉम के लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए चाहे एमकॉम के, सारे सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। अब यूनिट थ्री की मैंने थ्योरी इसी वीडियो में आपको करवाई ऊपर डिसीजन मेकिंग की और रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो है, तो आपको वो भी देखनी चाहिए। प्लेलिस्ट के अंदर आई थिंक चार वीडियोज़ हैं टोटल ओआर की, तो चारों को रट लो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चार में से तीन प्रैक्टिकल हैं, दो थ्योरी की वीडियोज़ हैं, बस पेपर मस्त क्लास जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका यूनिट आता है जिसमें आपका गेम थ्योरी और सिमुलेशन चैप्टर बनता है, तो गेम थ्योरी के प्रैक्टिकल के ऊपर भी एक फुल फ्लेज वीडियो है, एक घंटे की वीडियो है, पूरा चैप्टर चकाचक आपको समझ आ जाएगा। भाई मेरी सलाह मानो, प्रैक्टिकल ज़रूर करके आना, वीडियोस देख के समझ लो क्या मेथड है, अटैम्प्ट करके आओ, प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग तुम लोग ले लोगे। थ्योरी अगर ना आई तो क्या करोगे, क्योंकि थ्योरी बहुत बार धोखा देती है पेपर में, स्पेशली ओआर के, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है। अब बीकॉम वाले एमकॉम वाले अभी जाएं ना, ध्यान से सुने, एंड में आपको कुछ और भी बताऊंगी। बीकॉम वाले, बीकॉम वालों के पहले 8 चैप्टर यानी कि असाइनमेंट तक यूनिट 1 में आते हैं, तो आपको पहले चैप्टर की थ्योरी भी मैंने अच्छे से करवा दी, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट भी मैंने अच्छे से करवा रखा है। तो यानी कि अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन यूनिट 2 के आराम से निकल जाएंगे। अगर आप एलपीवी वगैरह को ना भी करें तो आपका चल जाएगा, समझ गए, आपको कोई ज़्यादा सिरखपाई नहीं करनी है। और बीकॉम वालों का जो यूनिट 2 है उसमें आपका डिसीजन मेकिंग, रिप्लेसमेंट, गेम थ्योरी, सिमुलेशन 4 चैप्टर हैं। गेम थ्योरी भी करवाया मैंने, रिप्लेसमेंट भी करवाया मैंने, डिसीजन की मैंने थ्योरी करवाई है। चलो आप डिसीजन छोड़ ही दो, प्लस बीकॉम वाले, तो आप लोगों ने रिप्लेसमेंट और गेम थ्योरी पर जोर देना है जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आपको ये क्लियर है कि किसको क्या करना है। अब इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको बताए, चाहे बीकॉम
चाहे एमकॉम की, इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड एंड ऑफ द वीडियो भी दे दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली उस प्लेलिस्ट पे जाना है, ओआर की 4 या 5 वीडियोज़ हैं, चुपचाप बैठ के 4-5 घंटे लगाओ, सारी देख लो, ठीक है। 1 घंटे के नियर एक वीडियो होगी, ये तो आई थिंक 20-30 मिनट की है जो आप अभी देख रहे हो, तो सारी चुपचाप देख लो, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। एटलीस्ट प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करके आना यार, जो लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं उनको विद हैंड, टाइम बचे तो प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने की चांसेज हैं, थ्योरी में हाइएस्ट के नाम पर वो भी काट लेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के जानी है। बाकी पेपर आपका तभी अच्छा जाएगा जब आप अच्छे से समझ के जाओगे, क्योंकि समझा होगा तो कुछ अटैम्प्ट कर रहा होगे, नहीं समझा फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख ली तो कुछ भी आया तो मुझे मत बोलना कि पेपर कहाँ से आया। तो पेपर कहीं से आया आप लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ किसकी थ्योरी बनती है, किसका प्रैक्टिकल बनता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और अगर आपको सभी जो भी इसकी थ्योरी हैं, ठीक है, अभी आपको नोट्स तो सिर्फ थ्योरी के मैं दे सकती हूँ, प्रैक्टिकल के नोट्स डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल के नोट्स होते भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में वो मैंने आपको सॉल्यूशंस दिखा रखे, थ्योरी के नोट्स जो भी इस मैंने आपको वीडियो में थ्योरी बताई, ठीक है, पहले चैप्टर की, उसके बाद मैंने बताई आपको इसकी रिप्लेसमेंट की, डिसीजन मेकिंग की। तो अगर आपको किसी को ये थ्योरी चाहिए तो मैं ना अगर आपको सिंपल बताऊँ तो थ्योरी भी अगर आप मेरे से बाय करने आओगे ना, एक सब्जेक्ट की जो भी थ्योरी है 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। अगर आपको स्पेसिफिकली बाय करनी है मुझे कोई डाउट नहीं, आप लोग इंस्टा पे आके बाय करें, बट मेरी सजेशन है 60 रुपीज़ के लिए 59 का चैनल पे सब्सक्रिप्शन है, अगर आप उसको लेते हैं। इस सब्जेक्ट के नोट्स तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ही, आने वाली जितनी वीडियोस हैं 1 मंथ के अंदर आपको सबके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ऊपर से वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी वो सब पेड रहने वाली हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप मेंबरशिप लें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और नोट्स आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे, आपको मेरे इंस्टा पे स्पेशली नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा, आपको प्लेटफॉर्म्स पे जाना नहीं, सीधा आप नोट्स पे क्लिक करोगे और नोट्स पे पहुंच जाओगे। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताएं, हम आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे कि आपको ये इफेक्ट जो हमने डाला है थोड़ा सा चेंजेस कैसे लगे, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है बाकी चेंजेस के लिए। तो चलिए अब इसी के साथ आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि आपको एग्जाम में अब क्या करना है कैसे करना है। बाकी आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से आपके अगले एग्जाम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।